नमस्कार दोस्तों, रोजगार विदंग के चैनल पर मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम 6वीं क्लास जो है नाउन पे पढ़ रहे हैं। कुल मिला के अब तक हमारी 9 क्लास हो चुकी हैं। ये यूजफुल रहेगा दोस्तों एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस। दोस्तों मैं बता दूँ, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है दोस्तों, जो पहली 3 क्लास है वो बेसिक में है, और बाद की जो 4, 5 और 6 आज यानी आज की जो क्लास है वो है एडवांस लेवल की ग्रामर की। यानी कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीपीओ में, सीएचएसएल में, एमटीएस में। ये जो टैट के एग्ज़ाम है और एयरफोर्स के, इनके लिए भी यूजफुल है, और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए भी यूजफुल है। दोस्तों मैं कई जो मेरे साथी हैं उनके कमेंट जब पढ़ता हूँ तो बड़ी, मुझे लगता है बहुत निराशा कई लोगों के मन में है। कई बार परिस्थितियाँ इतना परेशान कर देती हैं आदमी को कि वो परेशान, मतलब वो निराश हो जाता है कहीं ना कहीं। तो मैं एक बार उन्हें बता देता हूँ कि साथियों, निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप निराशा से बाहर निकल के ही चैंपियन बनोगे। तो उन्हीं कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने आज 2 लाइन लिखी है, मैं पहले उनको आप लोगों को बताना चाहूँगा, फिर हम क्लास शुरू करते हैं। वो दोस्तों ये है वो 2 लाइन कि मुश्किलों ने मुझे जब जब रुलाया है, मुश्किलों ने मुझे जब जब रुलाया है, मेरे अतीत ने ही मुझे आईना दिखाया है। होती नहीं थी ये जब कमजोर था बड़ा तू, क्या कहती है भाई जो मेरा अतीत है, क्या कहता है वो कि होती नहीं थी ये जब कमजोर था बड़ा तू, इन्होंने ही तो तुझे लड़ना सिखाया है। तो भाई अगर लड़ना ये सिखा रही है मेरे दोस्तों साथियों, तो फिर तो एक गुरु होगी ना हमारी। ये लड़ना सिखा रही है जीवन से। ये देख लो कि मुश्किलें जितनी आ जाएंगी, एक लेवल है मुश्किलों का भी, अगर यहां तक आप झेल गए ना तो फिर ये तो बड़ा आसान लगेगा काम, और अगर यहां तक झेल गए तो सारा ही काम आसान लगेगा। इसलिए मुश्किलों को मत मानो कि ये आपको हराने के लिए आई है, मानो कि ये आपको मजबूत बनाने के लिए आई है। ठीक है, कुछ भी हो हमें क्या करना है, लड़ना है, और लड़ना किस लिए, जीतने के लिए, जीतना है हमें। मुश्किल काम किसे दिया जाता है साथियों बताओ? मुश्किल काम उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो उसे करने में सक्षम हो। आप समाज में नजर उठा के देख लो, जो उसमें जीत हासिल कर सकता हो। ये बात घर में भी लागू है, घर में भी जिसमें ज्यादा क्षमता होगी आदमी में उसी को बड़ा काम मिलेगा, समाज में भी लागू है और जीवन में भी लागू है। यानी कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू है कि मुश्किलों ने मुझे जब जब रुलाया है, मेरे अतीत ने मुझे आईना दिखाया है, होती नहीं थी ये जब कमजोर था बड़ा तू, इन्होंने ही तो तुझे लड़ना सिखाया है। तो साथियों घबराना नहीं है बिल्कुल भी, घबराना बिल्कुल नहीं है, और कोशिश करनी है अपनी तरफ से, पूरी कोशिश करनी है हराना इन चीज़ों को। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि इसमें रिवीजन बहुत ज़रूरी है साथियों, तो रिवीजन हम साथ साथ करते चलेंगे। जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको टफ ना लगें, इसलिए दो चार मिनट हम पुरानी क्लास की चीज़ों पर भी लेंगे। तो देखते हैं ये क्या है, पिक आउट वेदर द फॉलोइंग नाउन्स आर सिंगुलर और प्लूरल। ये प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ, सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको 8-10 बता देता हूं, उसके बाद ना आपको खुद करने हैं। इनका आंसर मैं टेलीग्राम जो चैनल है उसी पे दे दूंगा, कल इनका आंसर आपको मिल जाएगा। सीजर्स बताया था, सीजर्स बताया था उन नाउंस में है जो हमेशा प्लूरल में यूज होंगे। किस में यूज होंगे साथियों? प्लूरल में। टोंग्स हमेशा प्लूरल में यूज होगा, यानी एस हटा के भी हम इनका सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। न्यूज, न्यूज बताओ साथियों किसमें थी? न्यूज थी सिंगुलर में, एकवचन। पिंसर्स किसमें था? प्लूरल में। बेलोज किसमें था? प्लूरल में। ट्राउजर्स किसमें था? प्लूरल में। अब फिर मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये वो है नाउन सारे के सारे जिनमें से एस हटा के भी हम इनका सिंगुलर नहीं बना सकते, वरना तो नाउन की 2 फॉर्म है, नाउन सिंगुलर है प्लूरल बन जाता है, एस लगा के किसी में, ई एस लगा के किसी में, वाई को हटा के आई ई एस लगा के। लेकिन फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ नाउन है जिनमें स्पेशल रूल, अगर सब पे एक ही रूल लागू होता तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी आगे नाउन, बस एक बार नियम याद करना था। लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें हमें ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। कुछ ऐसे हैं जो सिंगुलर में यूज होने हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्लूरल में ही होने हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को, आगे चलते हैं। पैंट्स प्लूरल में था, पाजामाज प्लूरल में था, पीपल प्लूरल में था, शॉर्ट्स प्लूरल में था,
गैलोज प्लूरल में था, फैंक्स प्लूरल में था, इनिंग्स किस में थी? हाँ, अब यहां से लेके और यहां तक आपको क्या करना है, आपको खुद बांटना है ये। या ठीक है चलो, आप वहां फिर से बांट लेना, मैं एक बार आपको बताता चलूं। अब आपको करना क्या है कि जैसे मैं बोलूंगा स्पेक्टिकल्स, मैं बोलूंगा प्लूरल, उसके बाद मैं हल्का सा जो भी टाइम रुकूं उसमें, उस टाइम में आपको अगला जो है ये पढ़ना है वर्ड, और ये बताना है अपने मन मन में, ये सोचना है कि सिंगुलर है प्लूरल। फिर जब मैं बोलूंगा तो उससे मैच करना है कि आप सही बता पाए या गलत बता दिया आपने। स्पेक्टिकल्स प्लूरल है, पाउल्ट्री प्लूरल है, गॉगल्स प्लूरल है, बायनोकुलर्स प्लूरल है, आई ग्लासेस प्लूरल है, आर्म्स प्लूरल है, समन्स बताया था मैंने कि बाद में एस है लेकिन क्या है ये सिंगुलर है, अमेंड्स प्लूरल है, इकोनॉमिक्स बताइए सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर है, जेंट्री कुलीन लोग प्लूरल है, आर्काइव्स प्लूरल है, एरियर्स प्लूरल है, पीजेंट्री यानी किसान वर्ग क्या है साथियों प्लूरल है, चिल्ड्रन प्लूरल है, चाइल्ड हो जाएगा सिंगुलर, रिकेट्स बीमारी है एक इसलिए सिंगुलर है, मम्स सिंगुलर है, कंग्रेचुलेशंस प्लूरल है, शिंगल्स सिंगुलर है, एम्बर्स प्लूरल है, कैवलरी, कैवलरी माने पैदल सेना, तो अब आप खुद देख लीजिएगा ये क्या है सिंगुलर या प्लूरल, फिजिक्स सब्जेक्ट है, फायरवर्क्स पटाखे हमेशा प्लूरल में, कैटल ऐसा वाले उस नियम में से आया ये कि जो देखने में लगते हैं सिंगुलर लेकिन असलियत में प्लूरल है, यानी हमें धोखे देने वाले जो वर्ड हैं तो ये भी क्या है प्लूरल है, इन्फेंट्री प्लूरल है, लॉजिंग्स प्लूरल है, पॉलिटिक्स सिंगुलर है, आउटस्कर्ट्स प्लूरल में यूज होगा हमेशा, पर्टिकुलर्स ब्यौरे या विवरण के सेंस में प्लूरल में यूज होगा, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है एक ही रहेगा, प्रोसीड्स एक ही है, बताइए एक ही है, नहीं प्लूरल है भाई प्लूरल, बिलियर्ड्स क्या साथियों, गेम है एक इसलिए सिंगुलर है, रिचेज साथियों प्लूरल है, रिमेन्स प्लूरल है, सेविंग्स प्लूरल है, सराउंडिंग्स प्लूरल है, ये वर्ड कई बार गलती कैसे देगा, सराउंडिंग करके देगा, वर्ड सराउंडिंग्स ही रहेगा, सराउंडिंग करके पेपर में देगा तो आपको छांटना है कि सराउंडिंग्स होगा सराउंडिंग नहीं होगा, टाइडिंग्स प्लूरल है, ट्रूप्स प्लूरल है, टैक्टिक्स प्लूरल है, थैंक्स प्लूरल है, वैल्यूएबल्स प्लूरल है, वेजेस प्लूरल है, और दो सेंस में परिणाम और मजदूरी, जब परिणाम के सेंस में आएगा तो सिंगुलर, यानी वेजेस वर्ड वही रहेगा वेजेज ही, वेज नहीं होगा ठीक है, वेजेज ही रहेगा वर्ड लेकिन सिंगुलर रहेगा जब परिणाम के सेंस में होगा, और जब मजदूरी के सेंस में होगा तब प्लूरल रहेगा, बिलोंगिंग्स प्लूरल है, एथिक्स नीति शास्त्र सब्जेक्ट है यानी सिंगुलर होगा, मीजल्स सिंगुलर है, एथलेटिक्स सिंगुलर है, पुलिस प्लूरल है, पुलिस एक सेंस में सिंगुलर भी आती है, वो मैं आपको आगे एक और नियम आएगा उसमें बताऊंगा कि कहाँ सिंगुलर आती है कहाँ प्लूरल आती है, तो आशा है ये आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है कि एक कॉपी लेके बैठना है और खुद इसमें से एक तरफ ऐसे लाइन खींच के, एक तरफ सिंगुलर और एक तरफ प्लूरल, सिंगुलर के नीचे सिंगुलर लिखते चले जाना और प्लूरल के नीचे प्लूरल लिखते चले जाना। तो आइए अगले रूल पे, रूल नंबर 5, कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग भी नहीं किया जाता। अनकाउंटेबल मैंने बताया था आपको, जिन्हें गिन ना सकें, जब गिनेंगे नहीं, अगर किसी चीज को हम गिन ही नहीं सकते तो वो ए और एन कैसे होगा, एक तो होगा ही नहीं वो, क्योंकि हम गिन ही नहीं सकते, जिस चीज को गिनेंगे वही तो एक होगी, वही 100 होगी, वही 5,000 होगी, जिसको गिन पाएंगे इसे गिन ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, जिसे काउंट ही नहीं कर सकते।
तो ये कौन कौन से वर्ड हैं? बैगेज, बैगेज माने क्या है? सामान, पोस्टेज, डाक, सीनरी, प्राकृतिक दृश्य। ठीक है, जो कहीं का भी सामने सीन है ना दोस्तों, जो भी सीन है यानी आप जो देख रहे हो, जो आपको दिख रहा है, मान लो एक पूरा का पूरा आपको ना पूरा का पूरा गार्डन दिखाई दे रहा है तो पूरा सीनरी होगा, और आपको थोड़ा सा कम दिख रहा है तो भी सीनरी होगा। आप किसी पहाड़ पर चढ़ गए, पूरा का पूरा स्टेट दिख रहा है कोई सा, तो भी सीनरी होगी। यानी सीनरी का मतलब है प्राकृतिक दृश्य जो हमें दिखाई दे रहा है सामने, तो कितना छोटा भी हो सकता है और कितना बड़ा भी। नॉलेज माने ज्ञान, ज्ञान को भी देखो आप गिन नहीं सकते। आप कह सकते हो मेरे पास तो यार 5 ज्ञान है, 5 ज्ञान नहीं है आपके पास, आपके पास ज्ञान हो सकता है, नॉलेज है, उसे बहुत नॉलेज है, बहुत है, मतलब ऐसे तो नहीं बोलते ना उसे 5,000 नॉलेज है, तो नॉलेज भी अनकाउंटेबल होगी। ठीक है साथियों, वेस्टेज, वेस्टेज माने अपव्यय, जो फालतू खर्च हो जाता है, ये भी क्या होगा? अनकाउंटेबल। पोइट्री, पोइट्री माने भी वो कविताएं, जैसे सीनरी थी ना ऐसे ही पोइट्री का मतलब उसमें कितनी भी पोएम्स हो सकती हैं। तो पोएम को तो हम प्लूरल कर सकते हैं, लेकिन पोइट्री को हम प्लूरल नहीं करेंगे, ये सिंगुलर में यूज होगा। इक्विपमेंट, इनमें साथियों गलती कैसे आती है, देखो वो बैगेज की जगह बैगेजेज लगा के देगा एग्जामिनर, पोस्टेज की जगह पोस्टेजेज लगा के देगा, सीनरी की जगह वाई हटा के आईईएस करके देगा जो नॉर्मल रूल है, नॉलेज, नॉलेज में भी नॉलेजेज कर सकता है, पोइट्री में भी सीनरी की तरह पोइट्रीज कर सकता है, इक्विपमेंट में वो एस लगा के गलती देगा, वर्क में भी एस लगा के गलती देगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वर्क अगर काम के सेंस में है, वर्क का मतलब है काम, वर्क का मतलब काम। अब काम काम होता है भाई, काम का मतलब ये नहीं है मुझे 20 काम है, वो ऐसे नहीं बोलते हम हिंदी में, कई बार बोल भी देते हैं लेकिन 20 काम नहीं होते, कि मुझे आप बहुत काम है, बहुत मतलब मात्रा उसकी मुझे पता है कि ज्यादा है, गिनती नहीं पता। तो वर्क जो है वो होगा, जब वर्क नाम से यूज होगा तो उसका मतलब है कार्य, तो कम हो ज्यादा हो कार्य का मतलब कार्य। अगर वर्क्स कर दिया जाए तो वर्क्स का मतलब हो जाएगा साहित्यिक लेख, जैसे वर्क्स ऑफ प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद के जो साहित्यिक लेख हैं, जो उन्होंने लिखा है, वर्क्स ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, यानी उन्होंने जो साहित्य लिखा है उसके लिए वर्क्स। तो वर्क अगर काम के सेंस में होगा तो हम वर्क को कभी भी वर्क्स नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर वर्क्स है कहीं पे यूज और उसका मतलब साहित्यिक लेख आ रहा है तो ठीक है, और वर्क्स मतलब वर्ड तो वर्क्स दिया हुआ है लेकिन उसका अर्थ आ रहा है काम, तो वो गलत हो जाएगा। तो मुझे आशा है आप लोग समझ गए होंगे। फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं आएगा। एडवाइस माने सलाह, एडवाइसेस नहीं आएगा। एडवाइस भी दो होते हैं भाई, देखो एडवाइस माने सलाह, ये नाउन होता है, और एक होता है एडवाइस, सलाह देना। ठीक है, सलाह देना तो ये वर्ब है, ये वर्ब की जगह जब भी यूज होगा तो एडवाइस यूज होगा। कभी कभी क्या करता है कि जहां नाउन चाहिए वहां ये वाला यूज कर देगा तो गलत है, और कई बार क्या करता है कि जहां वर्ब चाहिए वहां ये यूज कर देगा तो वो भी गलत है। हमें जहां नाउन की जरूरत है हमें एडवाइस में ये सी रखनी है, और जहां हमें वर्ब करनी है तो वहां पे ये करनी है एडवाइस। एक और वर्ड ऐसा ही है प्रैक्टिस, जब ये प्रैक्टिस है इसका मतलब ये क्या है? नाउन। और अगर ये है प्रैक्टिस माने अभ्यास, प्रैक्टिस अभ्यास करना, ये होगा काम वर्ब, तो यहां पे क्या है? एस। ठीक है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ही रहेगा, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा। बिजनेस, मिसचीफ माने शरारत, शरारत शरारती होगी, शरारत को भी हम मात्रा मानते हैं कि भाई ये ज्यादा शरारत करता है ये कम करता है, ऐसे नहीं गिन सकते कि ये तो 3 शरारत करता है दिन में और ये 300 करता है। ठीक है, ब्रेड, रोटी, इसे भी नहीं मानते भाई, हम 4 ब्रेड नहीं बोलते हैं, फिर 4 ब्रेड के पीस बोलेंगे। सही है, स्टेशनरी, क्रॉकरी, क्रॉकरी मिट्टी के बर्तन वगैरह, स्टेशनरी को ई, स्टेशनरी मैंने बताया था पहले भी जब हम ये पेपर डिस्कस कर रहे थे हेड कांस्टेबल का, कि जहां ई आर वाई आता है, ई आर वाई स्टेशनरी, वो होता है ई फॉर क्या है? एजुकेशन,
तो जहाँ लास्ट में ERY आएगा ना, वो इसका मतलब है वो एजुकेशन से संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, स्टेशनरी। और एक में होता है स्टेशनरी ARY, तो इसका मतलब होता है स्थिर। तो ए वाला स्थिर है, और ई जिसमें आता है लास्ट के वर्ड में ERY, ई मतलब एजुकेशन, ऐसे याद कर सकते हो आप। लगेज, लगेजेस देगा पेपर में, आपको ध्यान रखना है। ज्वेलरी, ज्वेलरीज देगा। ब्रेकेज, टूट फूट। एविडेंस में भी एविडेंसेज लगा के पेपर में देता है दोस्तों। वर्ड, वर्ड भी दो हैं। वर्ड का मतलब जब एक तो है वर्ड माने एक शब्द, और इसका प्लूरल कर देते हैं वर्ड्स, यानी जब शब्द के सेंस में होगा तो ये भी हो सकता है कि वर्ड, वर्ड का मतलब है शब्द। जब वर्ड होगा इसका मतलब एक शब्द, वर्ड्स माने ज्यादा शब्द, यानी जब शब्द के सेंस में आएगा तो वर्ड भी यूज कर सकते हैं और वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब वादे के सेंस में आए या संदेश के में, तब केवल वर्ड ही यूज होगा। क्या होगा? वर्ड ही यूज होगा, फिर वर्ड्स नहीं आएगा। वर्ड्स केवल तभी आएगा जब वो हाँ शब्द के सेंस में हो, ठीक है, शब्द भी ज्यादा। जैसे राइट एन एसे इन 200 वर्ड्स, तो यहां क्या है? शब्द। तो शब्द के सेंस में तो एस लगा सकते हैं, लेकिन वादे या संदेश के सेंस में तो नहीं लगा सकते। ऐसे ही फ्यूल और कॉस्ट, ये भी क्या होगा? ये भी अनकाउंटेबल हैं, इनके साथ एस हम कभी भी नहीं लगाएंगे। तो प्लूरल नहीं बनाएंगे इनका, इसका मतलब क्या है? प्लूरल नहीं बनाएंगे इसका मतलब एक नियम हमें ये ध्यान रखना है, प्लूरल नहीं बनाएंगे तो एक तो एस या ईएस नहीं लगाएंगे इनके साथ, ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या है? एक तो एस या ईस नहीं लगाएंगे, दूसरा इनके साथ ए या एन भी नहीं लगाएंगे सीधे सीधे तो, लेकिन कहीं कहीं लगा भी सकते हैं। वो लगाएंगे कैसे, ये हम अगली स्लाइड में देखते हैं, ठीक है साथियों। तो ये हैं जो हमने रूल पिछले उसमें स्लाइड में पढ़ा है उसके एग्जाम्पल्स। द सीनरी ऑफ शिमला इज वेरी चार्मिंग, वर्ड क्या आया? सीनरी। ऑफ शिमला इज वेरी चार्मिंग। सीनरी को हमने क्या कहा था? कि वो है अनकाउंटेबल। यू सी का मतलब अनकाउंटेबल और सी का मतलब काउंटेबल, तो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो दो चीजें नहीं करेंगे, एक तो हम उसके साथ क्या नहीं लगाएंगे, उसका हम प्लूरल नहीं करेंगे, यानी वाई को हटा के हमने आईएस नहीं किया, जिसमें लास्ट में वाई आती थी और उससे पहले कॉन्सोनेंट आता था, तो हम कैसे करते थे उसका प्लूरल? वाई को बदल देते थे किसमें? आई में, और प्लस ईएस, याद रखना है। और अगर कॉन्सोनेंट की जगह क्या आता? वोवेल, तो फिर हम क्या करते? सिंपल एस जोड़ देते। तो द सीनरी ऑफ शिमला इज वेरी चार्मिंग, और क्योंकि अनकाउंटेबल है इसलिए इनके साथ सिंगुलर ही वर्ब लगेगी। कौन सी लगेगी? सिंगुलर वर्ब, एक वचन की, गिन नहीं सकते इन्हें, सही है। आई हैव नो, यानी ऐसे नहीं कर सकते द सीनरीज ऑफ शिमला, सीनरीज नहीं करेंगे, सीनरी है वो, कितनी भी दिख जाए, कितना भी बड़ा सीन दिख जाए शिमला का, वो क्या होगा? सीनरी ही होगी, ठीक है। आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट हिज ऑफिस, मेरे पास उसके ऑफिस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अगर होता तो हो जाता गलत। आशा है आप लोग समझ रहे होंगे। द मिसचीफ कमिटेड बाय हिम इज पार्डनेबल, जो उसने गलती की है वो क्षमा के योग्य है। और अगर हम ये मिसचीफ की जगह मिसचीफ्स कर देते तो फिर वो हो जाता दोस्तों क्या? गलत, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, इसको हम प्लूरल नहीं करेंगे। हर हेयर इज ब्लैक, उसके बाल काले हैं, सही है। हेयर को क्या माना? सिंगुलर। आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट, इक्विपमेंट में एस लगा सकते हैं नहीं? नहीं, क्योंकि इसमें भी एस नहीं लगाएंगे, अनकाउंटेबल है। आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट, मैंने कुछ उपकरण खरीदे हैं जो मुझे अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए जरूरी थे। देर इज ए स्टेशनरी शॉप नियर माई होम, अगर यहाँ स्टेशनरी में मैं TION ARY कर दूं तो सही है गलत है? गलत हो जाएगा, क्योंकि किस सेंस में आ गया? स्थिर में, स्थिर की शॉप नहीं है स्टेशनरी, यानी कि किसकी शॉप होगी? एजुकेशन से संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, लेखन सामग्री की शॉप होगी। अब दूसरा, इसमें वाई को हटा के मैं IES करने लगूं तो भी गलत है, यानी ये जो गलत जैसे जैसे मैं बता रहा हूं ना कि इस तरीके से गलत है, पेपर में ऐसे गलत करके ही आपको देंगे वो, और जब वो गलत करके देंगे तो आपको बताना है। पेपर में चार जगह सेंटेंस बढ़ जाता है, ए बी सी डी, डी में मैक्सिमम होता है नो एरर, कि कोई गलती नहीं है,
एबीसी, तो सी ए बी, इनमें आपको बताना है कि किस पार्ट में गलती है। अगर ए पार्ट में गलती होगी तो क्या करेंगे आप, ए टिक कर देंगे, ठीक है। बी में होगी, बी टिक कर देंगे। सी में होगी, सी टिक कर देंगे। कोई एरर नहीं है तो डी हो जाएगा। देयर इज ए स्टेशनरी शॉप इन, हाँ ये हो गया, ही केम टू मी विद हिज लगेज, तो यहां हम एस कर सकते हैं, नहीं गलत हो जाएगा, ही केम टू मी विद हिज लगेज ही सही है। आई हैव ऑलरेडी गिवन हिम माई वर्ड, मैंने पहले ही उसे अपने शब्द दिए होंगे या वादा किया होगा, प्रॉमिस कर दिया होगा। आई हैव ऑलरेडी गिवन हिम माई वर्ड, मैंने पहले ही उसे अपना वादा कर दिया है। जैसे क्या होगा भाई, अब आप लोग तैयारी कर रहे हो, कई लोगों के घर में ऐसी भी जरूरी हो सकती है कि आपकी शादी वादी तय कर दें वो लोग, सही है, शादी तय हो गई। अभी देखो नौकरी नहीं है तो शादी थोड़ी सी भाई आपको पता ही है थोड़ी हल्की होगी, है ना, हल्की का मतलब आप जान रहे हो ना। तो अब इसी बीच वो अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है लेकिन पैसे वैसे दे नहीं सकते वो, तो शादी वहां आपकी तय हो गई क्योंकि आप भी पढ़ाई कर रहे हो। अब इसी बीच क्या हो जाए कि आपकी लग जाए नौकरी, सीजीएल में, सीपीओ में, या मैं तो कहता हूं चाहे एक सिपाही की नौकरी लगे, नौकरी तो लगी, नौकरी अगर आपकी लग जाए, अब कोई और जो आदमी है वो आपके पिताजी से आके बोलता है कि जो हमारी बेटी से आप अपने बेटे की शादी कर लो, तो पिताजी क्या कहेंगे, जो अच्छे अच्छे पिताजी हैं सबके, वो तो कह देंगे भाई आई हैव ऑलरेडी गिवन हिम माई वर्ड, कि मैंने तो पहले इस मामले में वादा कर दिया किसी से। और जो जिन्हें थोड़ा सा ये होगा, अरे यार क्या वादा वादा, या 20-30 लाख रुपए फालतू मिल रहे हैं तो ऐसे कर लेते हैं ना, तो वो पिताजी कह देंगे हाँ हाँ ठीक है कर लेंगे। तो लेकिन पिताजी कौन से वाले बढ़िया है भाई, पिताजी हैं ये वाले बढ़िया, आई हैव ऑलरेडी गिवन हिम माई वर्ड, वादा कर दिया है मैंने किसी की बेटी को शादी करने के लिए, ऐसे नहीं करूंगा, चाहे आप मुझे 1 करोड़ दें, 10 करोड़ दें, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड, यहां भी वह वादे का पक्का आदमी है। तो ये जो पिताजी क्या हो जाएंगे, मैन ऑफ वर्ड, वह वादे का पक्का आदमी है। अब शब्दों में कैसे आएगा, राइट एन एसे इन नॉट मोर देन 500 वर्ड्स, एक निबंध लिखो जो कि 500 शब्दों से ज्यादा ना हो। अब एक शब्द है तो उसके लिए क्या बोलेंगे, वर्ड। अब एक से ज्यादा मैंने कहा था ना, दो होते ही, और दो से फिर चाहे करोड़ों में चले जाए, फिर क्या हो जाएगा वो, वर्ड्स, ठीक है। तो वर्ड्स यहां आएगा, सही है, यहां वर्ड्स कर देंगे, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स, तो गलत हो जाएगा। आई हैव ऑलरेडी गिवन हिम माई वर्ड्स, ये भी गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां दोनों वादे के सेंस में और यहां पे ये शब्दों के सेंस में, इसलिए प्लूरल भी चलेगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो साथियों इन नाउंस का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, जो हमने अभी पढ़े इनका बहुवचन नहीं बना सकते हम। सीनरी को सीनरीज नहीं करेंगे, इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशंस नहीं करेंगे, फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं करेंगे, हेयर को हेयर्स नहीं करेंगे। अब ये जो वर्ड है मैंने आपको बताया था, 3 चैप्टर में सीधे सीधे काम आएंगे, इसलिए ने बार 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 आप पढ़ते रहो, सही है। बाकी मैं जैसे अभी आज मैंने शुरू में दिया है आपको छाटने के लिए, जब आप अपने दिमाग पे जोर लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। मैं ऐसे ऐसे देता रहूंगा आपको, और बहुत जल्दी ही जो हमारे टेलीग्राम चैनल है ना, उन पर भी बहुत एक्टिव हो जाऊंगा मैं, बस थोड़ा सा आप मुझे टाइम दे दीजिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अंग्रेजी में साथियों कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि जी पत्थर की लकीर है, ये बड़ी दिक्कत है अंग्रेजी में। तो धीरे 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 जैसे हम करते रहते हैं तो हमारी समझ में तो आता रहता है। जैसे यदि ऊपर दिए गए नाउन की सिंगुलर या प्लूरल में से किसी फॉर्म में जरूरत पड़े तो इनके साथ कुछ शब्द जोड़ दिए जाते हैं। अब तक हम क्या कह रहे थे कि उनमें प्लूरल उनका नहीं बनाया जाता, यानी उनमें हम एस नहीं जोड़ सकते, उनमें हम एस नहीं जोड़ सकते, यानी एस जोड़ के प्लूरल नहीं बना सकते, किसी और तरीके से हम उन्हें सिंगुलर भी बना सकते हैं और प्लूरल भी। ये नियम जो इस नियम में आए हों केवल इन पे लागू है, ये जो पहले हमने 3-4 पढ़ लिए उन पे नहीं है, अगर उन पे भी कुछ लागू होता तो मैं आपको साथ के साथ बताता। जैसे मान लो बहुत सारी सूचनाएं मिली हैं तो ना, हम ऑल इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकते, पेपर में कैसे आएगा, ऑल इंफॉर्मेशंस गिवन बाई अवर सीक्रेट एजेंट वर रिलायबल, हमारे सीक्रेट एजेंट के द्वारा दी गई सभी सूचनाएं क्या थी, रिलायबल, भरोसे लायक। तो यहां इंफॉर्मेशन मैस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमने रूल में पढ़ा है, लेकिन ऑल पीसेज, एक आध वर्ड इनके साथ जुड़ जाता है, ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जितने भी हिस्से आए थे इंफॉर्मेशन के, यानी इंफॉर्मेशन जितने भी हिस्सों में आई थी, किसने दी थी, हमारे सीक्रेट एजेंट ने, वो सारी की सारी रिलायबल यानी भरोसे योग्य थी।
दे हैव गिवन मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, उन्होंने मुझे एक सूचना दी है, मतलब कोई सूचना को अगर सिंगुलर में बनाना चाहें तो ए पीस करना पड़ेगा हमें, अगर कुछ नहीं है सिंगुलर भी नहीं बनाना, प्लूरल भी नहीं बनाना, सिंपल लिखना है तो दे हैव गिवन मी इंफॉर्मेशन, उन्होंने मुझे सूचना दी है। अब एक सूचना अगर आपको बोलना है तो आपको करना पड़ेगा ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, याद बस इतना ही करना है कि प्लूरल जब बनाना है ना तो इसे हम ये लिख सकते हैं कि दे हैव गिवन मी ए इंफॉर्मेशन, एक नहीं एन आएगा वैसे भी, दे हैव गिवन मी एन इंफॉर्मेशन, ऐसे भी नहीं लिख सकते आप क्योंकि सिंगुलर हो गया और सिंगुलर भी इसे नहीं बना सकते हम, क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल है, और ना ही हम ऐसे लिख सकते हैं दे हैव गिवन मी इंफॉर्मेशंस, ये भी गलत है। तो सिंगुलर बनाने के लिए इससे पहले क्या करना पड़ेगा, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, और प्लूरल बनाने के लिए ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन इंफॉर्मेशन में कहीं भी एस नहीं जोड़ी हमने, सही है? जो शब्द लगाएंगे साथ में उसे सिंगल रख लेंगे तो एक को दिखाएगा, उसे अगर हम प्लूरल कर देंगे तो वो ज्यादा को दिखाएगा। जैसे मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दिस शोरूम, इस शोरूम में बहुत तरह के फर्नीचर जो हैं उपलब्ध हैं, तो यहां भी मैनी फर्नीचर्स नहीं बोला भाई, ना ए फर्नीचर बोल सकते हैं ना मैनी फर्नीचर्स, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, ना तो सिंगुलर में हो सकता है ना ही प्लूरल में, यानी ये तो रहेगा ऐसे ही, फर्नीचर वर्ड तो रहेगा फर्नीचर की तरह ही, यहां मैनी काइंड्स ऑफ अगर एक वर्ड होता तो काइंड हो जाता, तो मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दिस शोरूम, यानी इसके साथ वर्ड जोड़ा, काइंड्स माने प्रकार, फर्नीचर के तो प्रकार होते हैं ना, और सूचना आती है हिस्सों में तो उसके होते हैं टुकड़े, तो यानी यहां इसके साथ पीस वर्ड सही है और इसके साथ काइंड्स। अब यहां मैनी पीसेज ऑफ फर्नीचर मत कर देना, जो दो चार बार हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा इंफॉर्मेशन के साथ पीस वर्ड यूज करना है और फर्नीचर के साथ काइंड्स वर्ड यूज करना है। आई वॉन्ट ए फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, आई वॉन्ट ए ज्वेलरी भी गलत है क्योंकि ज्वेलरी क्या है, अनकाउंटेबल, इससे पहले ए नहीं लगा सकते सिंपल, और आई वॉन्ट ज्वेलरीज वाई हटा के आई एस लगाना भी गलत है क्योंकि इसका हम प्लूरल भी नहीं बना सकते, तो क्या जोड़ दिया, फ्यू आर्टिकल्स, ठीक है, ए फ्यू आर्टिकल्स, मैनी आर्टिकल्स, मैनी आर्टिकल्स यानी बहुत सारे हो गए, ए फ्यू आर्टिकल्स, और आई वॉन्ट एन आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी, अगर एक ही ज्वेलरी का कोई वो चाहिए, मान लो बस एक अंगूठी चाहिए, तो आई वॉन्ट एन आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी, एक होगी ना सिंपल। ही हैज ऑलरेडी ईटन टू स्लाइसेज या लोव्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड के लिए स्लाइसेज वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, लोव्स भी करते हैं, ठीक है साथियों, ही हैज ऑलरेडी ईटन टू स्लाइसेज ऑफ ब्रेड, एक होती तो स्लाइसेज की बजाय स्लाइस हो जाता, लेकिन ब्रेड में हमने कुछ नहीं छेड़ा, देखो ना तो ब्रेड को हमने प्लूरल किया है, प्लूरल करते तो एस जोड़ते, और ना ही इससे पहले हमने ए ब्रेड लगाया, क्योंकि ये तो क्या है, अनकाउंटेबल, ये गिनती योग्य में नहीं माना जाता, ये माना जाता है मात्रा में, तो इससे पहले हमें कुछ लगाना पड़ेगा, ठीक है, टू स्लाइस, 10 स्लाइस, तो स्लाइस में एस जोड़ेंगे ना कि ब्रेड में। आई हैव टू बाई सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, स्टेशनरी भी भैया, आई वॉन्ट टू बाई सम आइटम्स, स्टेशनरी का क्या होगा, आइटम वर्ड इसके साथ लगाएंगे, सम आइटम्स, आई हैव टू बाई एन आइटम ऑफ स्टेशनरी, अगर सिंपल एक पेन ही खरीदना हो और उसे भी ऐसे ही बोलना हो तो आई हैव टू बाई एन आइटम ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, और ज्यादा है तो सम आइटम्स, यानी वर्ड जो है आइटम को सिंगुलर या प्लूरल कर सकते हैं हम, आइटम को एकवचन भी लिख सकते हैं और बहुवचन भी, लेकिन स्टेशनरी वर्ड ऐसे ही रहेगा। द पुलिस हैव फाउंड स्ट्रैंड ऑफ हेयर इन द कार, पुलिस को मिला है स्ट्रैंड ऑफ हेयर, बालों का एक गुच्छा टाइप, इन द कार, मान लो कोई क्राइम हुआ कार में और बालों का गुच्छा मिला है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रैंड ऑफ हेयर, ए हेयर नहीं लगाएंगे और हेयर्स भी नहीं लगाएंगे, तो ये क्या जोड़ दिया इसके साथ, ए स्ट्रैंड, जैसे यहां पे पीस था, जैसे यहां पे काइंड्स था, जैसे यहां पे फ्यू आर्टिकल्स था, जैसे यहां पे स्लाइसेज या लोव्स था, जैसे यहां आइटम्स था, वैसे यहां क्या यूज हुआ है, स्ट्रैंड, ये दो चार बार आप पढ़ोगे याद हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है इसकी, तो मुझे आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले रूल पे चलते हैं, तो ये रूल नंबर 6 आ गया साथियों, कुछ नाउन्स के प्लूरल और सिंगुलर दोनों रूप एक जैसे होते हैं, यानी डियर सिंगुलर में भी एक प्लूरल में भी एक, शीप सिंगुलर में भी एक प्लूरल में भी एक, सीरीज सिंगुलर में भी एक प्लूरल में भी एक,
स्पेसीज और फिश। इसके अलावा क्या है, कलेक्टिव नाउन। मैं आगे एक नियम आने वाला है कलेक्टिव नाउन का, कि कलेक्टिव नाउन भी दोनों तरीके से यूज होते हैं। कलेक्टिव नाउन को आप सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल में भी, और उनकी अंग्रेजी भी सेम ही रहेगी। टीम को हम सिंगुलर के तौर पे भी यूज करेंगे, कहीं कहीं प्लूरल के तौर पे भी। कैसे यूज करेंगे, जब पूरी टीम एक यूनिट की तरह दर्शाई जाएगी तब हम उसे सिंगुलर मानेंगे। जब पूरी टीम अलग अलग बांटी हुई दिखाई जाएगी या हर मेंबर के बारे में कोई बात करी जाएगी तब वो प्लूरल के तौर पे यूज होगी। यानी हर मेंबर के बारे में अगर बात करनी हो या फिर बटी हुई हो टीम, जैसे जूरी है, जूरी माने जजों का पैनल। अगर कोई जजों का पैनल एकमत से, एक राय से कोई डिसीजन दे दे, तो वहां जब यूनिट, यानी यूनिट वो एक यूनिट के तौर पे दिखाई दे रहे हैं, तो वहां जूरी को बोला जाएगा सिंगुलर। और अगर उनमें से मान लो तीन की राय हो, नहीं, ऐसे करना है भाई, इस पक्ष में डिसीजन देना है, और तीन की राय ये है कि इस पक्ष में, सॉरी, दो की राय ये है कि इसमें देना है, तो बट गए ना। तो बट गए, इसका मतलब द जूरी। अब यहां इज और आर में से एक लगाना पड़े तो क्या करेंगे आप, बताओ दोस्तों। इज और आर में से अगर एक आप यहां पे लगाना पड़े तो आप क्या करेंगे, इज लगाएंगे? नहीं, इज नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहां तो बट गई ना, आर डिवाइडेड, बटी हुई है, डिवाइडेड ओवर द इशू। इस मुद्दे पे जो है जूरी बटी हुई है। ऐसी टीम है, अगर मैच जीत गई तो टीम को हम रखेंगे सिंगुलर के तौर पे, क्योंकि टीम एक यूनिट के तौर पे ही तो जीतती है। और अगर टीम मान लो कुर्सी पे जाके बैठ गई, कहीं पे कुर्सियां पड़ी हुई हैं और वहां जाके बैठ गई, तो टीम आर सिटिंग इन देयर चेयर्स, क्योंकि यहां पे टीम का मतलब है सारे मेंबर अलग-अलग। एक कुर्सी पे थोड़ी सारी टीम बैठेगी, जब सारे मेंबर अलग-अलग हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि टीम, तो वर्ड तो वही रहेगा, टीम वर्ड क्या रहेगा, टीम ही रहेगा, लेकिन यहां वो बटी हुई है। तो कलेक्टिव नाउन दोनों तरह से यूज होता है। इसके अलावा इनमें एस या ईएस भी कभी कभी लगती है। कैसे लगती है, मान लो दो टीम है तब टू टीम्स लगेगी। अगर एक ही टीम के बारे में बात की जा रही हो और वो एक यूनिटी के तौर पे हो तो सिंगुलर, वो अलग अलग दिखाई जाए या उनमें कोई मतभेद दिखाया जाए या उस जो ग्रुप है उसके हर मेंबर के बारे में बात की जाए तो वो प्लूरल। लेकिन अगर उसी तरह का कोई और ग्रुप भी साथ में ले लिया, उसकी संख्या बढ़ जाए, तो फिर वो टीम्स भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मुझे आशा है ये रूल समझ में आया होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अवर टीम हैज वॉन 5 मैचेस इन ए रो। हमारी टीम ने जीते हैं 5 मैच इन ए रो लगातार। इसका मतलब क्या होगा, 5 मैच हमारी टीम ने लगातार जीते हैं, मतलब टीम ने एक साथ टीम स्पिरिट के साथ यूनिटी में जीते हैं, तो यहां पे हैज ही रहेगा। सही है दोस्तों। अवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। हमारी जो टीम है वो अपनी जो नई यूनिफॉर्म है उसे ट्राई कर रही है। तो अब यहां जो टीम है उसका मतलब है टीम के सारे प्लेयर ट्राई कर रहे हैं। एक ही थोड़ी करेगा ट्राई, सबकी अलग अलग ड्रेस है, सबका अलग अलग साइज रहेगा, तो पूरी टीम कर रही है ट्राई। इसका मतलब क्या है कि टीम के जो प्लेयर्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं, यानी अलग अलग हो गए, तो फिर क्या हो गया, हर मेंबर के बारे में बात हो रही है, इसलिए वो प्लूरल के तौर पे होगा। ये सही है बिल्कुल। देर आर टू फिश इन द पॉन्ड। टू फिश, फिश ऐसा है भाई, इसके साथ फिश ऐसा है दोस्तों कि इसके साथ 2, 5, 10 कुछ भी आए फिश ही रहेगा। टीम जो थी, कम से कम जो कलेक्टिव नाउन है उसमें क्या होता है कि अगर वो ज्यादा होते हैं ग्रुप तो एस जोड़ देते हैं, लेकिन ना स्पेसीज में, ना फिश में, ना सीरीज में, ना शिप में, ना डियर में, इनमें तो जोड़ेंगे ही नहीं। फिश में कहीं कहीं जोड़ेंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन नॉर्मल सेंस में इनमें कहीं भी नहीं जोड़ेंगे प्लूरल होने के बाद भी। देर इज ए फिश इन द एक्वेरियम। देखिए यहां एक है मछली, यहां दो है, ये दो हैं तो इनके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो गई, और यहां एक है तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो गई। देर इज ए फिश इन द एक्वेरियम, देर आर टू फिश इन द एक्वेरियम। लेकिन दो के बाद भी, जैसे देर इज ए बॉय, देर आर टू बॉयज। जैसे हम बॉय एक से ज्यादा होते तो क्या कर लेते, बॉयज, लेकिन और ए बॉय, लेकिन फिश के लिए हमने नहीं किया, ए फिश, टू फिश, 10 फिश, कुछ भी हो, क्या होगा,
एस या यस नहीं लगेगी, एक ही रूप रहना है। डियर का एक ही रूप रहना है, शीप का एक ही रूप रहना है, सीरीज का एक ही रूप रहना है, स्पेसीज का एक ही रूप रहना है और फिश का भी एक ही रूप रहना है। कलेक्टिव नाउन क्या है? इनका जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज हो जाता है एक ही सेंस में, लेकिन अगर ये ग्रुप ज्यादा हो जाए एक से तो उसे हम प्लूरल भी बना सकते हैं। सही है? जैसे कमेटी, ये होता मान लो कमेटी ने अपना डिसीजन दे दिया है। कमेटी किसी सब्जेक्ट पे ही तो बनाई जाती है, किसी इशू पे बनाई जाती है, किसी मुद्दे पे बनाई जाती है। कमेटी अपना डिसीजन दे दे तो क्या है? कमेटी ने अपना डिसीजन दे दिया है। अब कमेटी जो है अगर डिसीजन दे तो सही, लेकिन बटी हुई है राय उसकी, डिसीजन दे नहीं पा रही, तो फिर क्या कहेंगे? कमेटी बटी हुई है। तो जब बटी हुई होगी तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? प्लूरल वर्ब, यानी वो प्लूरल के तौर पे काम करेगा। लेकिन कमेटी में एस भी जोड़ सकते हैं। कैसे? कि जैसे कोई मुद्दा है कि इस पे चार कमेटियां गठित कर दी गई हैं, तो अब एक से ज्यादा हो गई ना, तो यहां पे फिर फोर कमेटीज करेंगे। जब एक ही कमेटी सिंगुलर के तौर पे हो तो उसे हम सिंगुलर मान लेते हैं, यानी एक यूनिट के तौर पे। जब एक ही कमेटी बटी हुई हो, कमेटी एक ही है लेकिन उसमें लोगों की राय बटी हुई है, मेंबरों की, तो उसे प्लूरल मान लेते हैं, वर्ड वही रहेगा कमेटी। लेकिन जब एक से ज्यादा कमेटियां हो जाएं, फिर उसे हम COMMITTEES जोड़ देंगे। मुझे आशा है साथियों समझ में आया होगा इनका अंतर। द ऑडियंस वाज, ये वाज रह गया इसमें, वाज स्पेल बाउंड इन द शो। उस शो में जो ऑडियंस है, ऑडियंस माने श्रोतागण, वो स्पेल बाउंड कैसे हो गए? यानी मंत्र मुग्ध हो गए। द ऑडियंस हैव टेकन देयर, अब पूरी की पूरी ऑडियंस यानी कि मंत्रमुग्ध होने का मतलब है कि वो बहुत ही ज्यादा उससे प्रभावित थे, बहुत ज्यादा प्रभावित नजर आए। यानी पूरी की पूरी ऑडियंस, जितने भी श्रोतागण थे, सबके बारे में बात की जा रही है। तो ऑडियंस यहां सिंगुलर के तौर पे यूज हो रहा है क्या ऑडियंस कौन सा है क्या ऑडियंस कौन सा नाउन है? कलेक्टिव, शाबाश, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलके ऑडियंस का निर्माण कर रहे हैं। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, अब यहां देखो ऑडियंस तो रहेगी ऑडियंस ही, वर्ड तो यही रहेगा, लेकिन हैव क्यों आई? क्योंकि सीट ले ली उन्होंने अपनी अपनी। अब सीट तो पूरी ऑडियंस एक पे थोड़ी बैठी है, इसका मतलब ऑडियंस के जितने भी मेंबर हैं, श्रोतागण जितने भी हैं, उन्होंने अपनी अपनी सीट ग्रहण कर ली है। तो यहां हर मेंबर के बारे में बात की जा रही है, यहां हर मेंबर के बारे में बात, और मैंने कहा था हर मेंबर के बारे में बात की जाए या आपस में उनमें मतभेद हो, तो यहां बैठे इनमें मतभेद वाली तो बात नहीं है। मतभेद तो ऐसी चीजों में आएगी, जैसे जूरी में आएगी जहां जज डिसीजन दे रहे हैं, कमेटी में आएगी, टीम में भी कभी कभी आ सकती है किसी बात पे मतभेद, लेकिन यहां ऑडियंस में मतभेद वाली कोई बात आएगी नहीं। तो द ऑडियंस वॉज स्पेल बाउंड इन द शो और द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। मैं समझता हूं साथियों ये आपके समझ में आ गया होगा, ये जो रूल है 6 नंबर। अब एक फिश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दे आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम। जब फिशेज हम कब यूज करेंगे? जब सेंस ये आ रहा हो कि कई अलग अलग प्रजातियों की फिश हैं, कई अलग अलग, जैसे एक्वेरियम में क्या होता है, कई तरह की फिश होती है ना, किसी में कांटा सा निकल रहा है, कोई गोल्ड फिश है, कोई कुछ है, तो वहां कई तरह की यानी कई प्रजातियों की फिश हो गई, तो वहां पे हम फिशेज का यूज कर सकते हैं। बाकी जो वर्ड है वरना तो डियर, शीप, सीरीज, स्पेसीज, फिश, सारे के सारे किसमें यूज किए जाएंगे? सिंगुलर में भी, प्लूरल में भी, लेकिन इनमें एस या एस नहीं जुड़ता है, सिवाय इसके फिशेज के। और फिशेज भी कब होगा? जब विभिन्न प्रजातियों की फिश हो, वो अलग अलग। रूल नंबर 7 देख लेते हैं साथियों। कुछ नाउन्स अर्थ में तो प्लूरल होते हैं लेकिन इनके पहले किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण यानी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव अगर आ जाए तो इन नाउन को प्लूरलाइज नहीं किया जाता। पेयर, पेयर का मतलब क्या है बच्चों? स्कोर, स्कोर का मतलब क्या है? ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, एटसेट्रा। यानी ये जो वर्ड है ये क्या है? ये प्लूरल है, सारे के सारे अर्थ में क्या है? प्लूरल, एक से ज्यादा ही तो है। 100 में भी कितनी चीजें आती हैं? 100। दर्जन में भी 12। थाउजेंड में 1000। मिलियन 10 लाख। इससे आगे तो बिलियन और ट्रिलियन क्या क्या है पता नहीं। तो आई हैव 200 रुपीज ओनली,
आई हैव 200 रुपीज ओनली। ये 100 क्या है? प्लूरल है। लेकिन इससे पहले क्या वर्ड आ गया? निश्चित संख्या। कोई निश्चित संख्यात्मक विशेषण का मतलब है कोई निश्चित संख्या, 4, 6, 10, 20, 50, तो 2 आ गया। आई हैव 200 रुपीज ओनली। एक और चीज देख लीजिए कि इनके बाद अगर ये जो वर्ड है, इनके बाद अगर कोई नाउन आएगा तो नाउन को हम प्लूरल करते हैं, इन वर्ड को हम प्लूरल नहीं करते हैं। शी परचेज्ड 3 डजन पेंसिल्स। डजन देखो इनमें से है, डजन है ना इसमें से, दर्जन 12, इससे पहले निश्चित संख्या आ गई 3, तो इस डजन में हम एस नहीं जोड़ेंगे। हाँ लेकिन इसके बाद कोई नाउन आएगा तो क्योंकि संख्या पेंसिलों की ज्यादा है तो इसलिए क्या होगा, पेंसिल में एस जोड़ देंगे। आगे देखिए, ही हैज ऑलरेडी डोनेटेड 5,000 रुपीज। उसने पहले ही 5,000 रुपये डोनेट कर दिए हैं। ही हैज ऑलरेडी डोनेटेड 5,000। थाउजेंड वर्ड इसमें से है, देखिए प्लूरल है वर्ड, क्योंकि 1,000 के लिए बोलते हैं 1,000, और एक से ज्यादा कितना होगा, एक से ज्यादा होते ही वो हो जाता है प्लूरल, तो है तो प्लूरल, लेकिन इससे पहले संख्या दे दी निश्चित 5, तो इसमें फिर एस नहीं जोड़ेंगे। अगर इसके बाद कोई नाउन है तो उसमें एस जोड़ देंगे। ही हैज 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। यहां भी मिलियन वर्ड है, लेकिन उससे पहले क्या दे दी, उससे पहले दे दी संख्या निश्चित, तो फिर इसके बाद अगर कोई नाउन है तो उसमें एस जुड़ जाएगी, वरना तो नहीं। देखिए यहां पे, लेकिन यदि इनके साथ अनिश्चित गिनती को दर्शाने वाले शब्द आए तो इन्हें बहुवचन में रखा जा सकता है। ये जितने भी वर्ड हैं, जैसे डजन्स ऑफ लेबरर्स, यह हो गया दर्जनों लेबरर्स। लेबरर माने, लेबरर माने क्या है बताइए, श्रमिक या मजदूर, ये आप लिख लिया करो साथियों। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यहां भी ये हंड्रेड्स ऑफ, जब हंड्रेड्स ऑफ इस तरह से आएगा ना, इसका मतलब ये नहीं होता 100, इसका मतलब होता है सैकड़ों। आप सुनते हो ना कभी कभी, वहां तो हजारों की भीड़ थी, वहां तो सैकड़ों की भीड़, वहां तो लाखों लोग थे, तो वो ऐसे ही होता है, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, यहां भी देखिए मिलियन से पहले कोई वो नहीं है ना गिनती, तो यहां मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो सकता है, लेकिन 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स अगर यहां होता, 2 फिर मिलियन और फिर सब्सक्राइबर होता, तो क्या होता, सब्सक्राइबर में तो एस होता लेकिन मिलियन में नहीं होता। अभी क्या है, दोनों में है, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स। बिलियंस ऑफ डॉलर्स, यहां भी देखिए अगर ये होता 5 बिलियन डॉलर्स तो क्या हुआ, क्योंकि ये बिलियन है, इससे पहले क्या है, एक न्यूमेरिकल यानी एक संख्या है कोई निश्चित, यह निश्चित संख्या है, और इसके बाद क्या है, एक डॉलर का मतलब है नाउन, किसी का नाम ही तो है, एक मुद्रा का नाम है, तो नाउन, तो नाउन इसके बाद में है, बिलियंस, 5 बिलियन, सॉरी बिलियंस तो नहीं होगा ना, क्योंकि 5 बिलियन डॉलर्स, ये जो नाउन है डॉलर, क्योंकि ये बिलियन से पहले संख्या निश्चित तो बिलियन में एस नहीं जुड़ेगा, लेकिन इसके बाद नाउन है डॉलर तो डॉलर में एस जुड़ जाएगा। स्कोर्स ऑफ शॉप्स, मैनी पेयर्स ऑफ शूज, बहुत सारे पेयर हो गए ना, गिनती नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए मैनी पेयर्स ऑफ शूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जो इनका अंतर है आपको समझ में आ गया होगा, और आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये नाउन बिल्कुल बहुत ऊंचे लेवल का है, इससे ऊंचा कहीं नहीं आता, इससे ऊंचा कहीं नहीं आता, और मुझे लगता है कि ये भी आपको ऊंचा लग नहीं रहे होगा, और मुझे लगता है कि ये आपको ऊंचा लग नहीं रहा होगा, क्योंकि आपने बिल्कुल बेसिक से पढ़ लिया है। ये मान लीजिए कि आपने बिल्कुल यहां से शुरू किया था और यहां तक पढ़ लिया, जब रहा ही नहीं कुछ बीच में, तो फिर आपसे मतलब समझ में क्या चीज नहीं आएगी, फिर तो सारी चीज समझ में आएगी, जब आपने उसकी जड़ भी पढ़ी है, उसकी चोटी भी पढ़ी है, तो समझ में आएगी आएगी। आगे चलते हैं साथियों, तो देखिए ये जो स्लाइड है इसमें मैंने क्या कहा है, चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म। अब मैं आपको काम देना शुरू करूंगा साथियों घर के लिए भी, क्योंकि तभी जब आप खुद करोगे आएगा, तो तभी इनटू प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है, और इसके आंसर की आपको मिल जाएगी संडे तक, यानी कल तक, कहां पे, टेलीग्राम चैनल्स पे, दोनों पे, टेलीग्राम वही है, रोजगार विद अंकित और अंगिरा कोचिंग। तो करना क्या है इसमें, मैंने सिंगुलर फॉर्म दे दिए, और मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के अलग अलग रूल हैं। कई बार क्या होता है कि सिंगुलर की जो फॉर्म है ना, गलत
सिंगुलर की जो प्लूरल फॉर्म है उसे गलत करके पेपर में दे देता है, और जब आपको पता ही नहीं होगा कि इसकी प्लूरल फॉर्म असलियत में है क्या, तो आप कैसे पता करोगे कि सही है या गलत है? नहीं पता कर पाओगे, इसलिए पता होना चाहिए। एक दो में बता देता हूं, माइस, माउस का माइस होता है। देखिए मैन सर्वेंट, ये चार जो हैं इनका अंतर मैं आपको एक बार बता देता हूं। मैन सर्वेंट यानी ऐसा सर्वेंट जो कौन है, मैन है यानी पुरुष, नौकर जो है पुरुष है। तो यहां जब ऐसा आएगा ना, तो मैन में भी ई करेंगे, इसका भी प्लूरल करेंगे, और सर्वेंट को भी सर्वेंट्स करेंगे, ठीक है। मैन हेटर, क्योंकि मैन का प्लूरल क्या होता है, एम ई एन। अब मैन हेटर है, मैन हेटर को क्या करेंगे, एम ए एन एच ए टी ई आर एस। क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे साथियों? क्योंकि मैन हेटर्स का मतलब है हेटर ऑफ मैन, आदमी से घृणा करने वाला। इसका मतलब ये नहीं है कि घृणा करने वाला आदमी, इसका मतलब है आदमी से घृणा करने वाला, जबकि ये क्या था, पुरुष नौकर। यह है पुरुष नौकर और यह है आदमी से, यहां घृणा करने वाला, आदमी से तो घृणा हो रही है। तो ये जो मैन है ये केवल इसलिए है कि ये बता रहा है कि किससे घृणा हो रही है। ऐसे ही मैन टीचर, तो टीचर है देखो, यानी पुरुष, ऐसा टीचर जो पुरुष है। तो ऐसे टीचर्स जो कि पुरुष हैं, जब टीचर्स बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। जब टीचर्स की संख्या आप प्लूरल करोगे तो मैन की भी तो करोगे, क्योंकि एक मैन टीचर का मतलब एक आदमी ऐसा जो टीचर भी है, और जब टीचर्स कर दिए तो वो आदमी भी तो ज्यादा चाहिए कि ऐसे बहुत सारे आदमी जो कि टीचर्स हैं। लेकिन मैन हेटर, आदमी से घृणा करने वाला, और आदमी से घृणा करने वाले, यहां मैन इसलिए केवल कि आदमी से घृणा करने वाला। तो ऐसे यहां क्या हो जाएगा, वोमैन में एम ए एन ही रहेगा और हेटर में हेटर्स। ये वर्ड जो है लवर और हेटर दोनों के साथ होता है, वोमेन लवर, मैन लवर, इसका मतलब भी वो है कि आदमी से प्यार करने वाला, और हेटर का मतलब आदमी से घृणा करने वाला, और मैन सर्वेंट का मतलब है कि ऐसा नौकर जो कि पुरुष है, ऐसा टीचर जो कि पुरुष है। तो जब टीचर की संख्या बढ़ाएंगे तो पुरुष की भी बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए एम ई एन कर देंगे। आगे मैंने आपको पढ़ाए थे, एक स्पूनफुल और देख लीजिए। स्पूनफुल माने एक चम्मच, वन स्पूनफुल का मतलब क्या होगा, एक चम्मच। अब आपको मान लो चार चम्मच कोई चीजें खानी है, तो आप चार चम्मच लेंगे या उसे चार बार भरेंगे, आप बताइए। आपको मान लो चीनी खानी है घर में, तो आप चार चम्मच लेंगे अलग अलग, फिर एक एक से एक खाएंगे, एक से एक खाएंगे, एक से एक खाएंगे और एक से एक खाएंगे, या फिर चम्मच तो आप एक ही लोगे लेकिन उसे भरेंगे चार बार। तो जो जो ये कहते हैं कि जी चम्मच तो एक ही लेंगे, भरेंगे चार बार, तो जब भरेंगे ज्यादा बार तो एस किस में जुड़ना चाहिए, एस जुड़ना चाहिए उसमें जिसे हम भरेंगे, यानी भरने वाले वर्ड में, स्पून फुल्स। और पेपर में गलती आएगी, स्पून्स फुल, स्पून्स थोड़ी फुल करनी है भाई, एक ही स्पून है लेकिन वो फुल करनी है चार बार, इसलिए स्पून फुल्स आएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों की समझ में ये भी आ गया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, बिलियन मिलियन कई बार आ गया था, तो इस बिलियन मिलियन के लिए मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा सा मैंने फिर लिख दिया है जिससे आपको समझ में आ जाए। एक स्कोर का मतलब होता है 20 की संख्या, स्कोर माने ये हो सकता है आपको कल को रीजनिंग में मिले, हो सकता है ये आपको कल को जीएस में भी मिले। तो वर्ड हम पढ़ ही रहे थे अभी इसमें, तो क्यों ना मैंने सोचा कि क्यों ना इनको समझ भी लेते हैं। एक स्कोर माने 20 की संख्या, एक ग्रॉस माने 144 की संख्या, यानी डजन का, 12 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 144, तो एक ग्रॉस बोलते हैं उसे। एक स्टोन माने होता है 14 पाउंड, पाउंड तो जानते हो ना आप वजन, पाउंड में होता है वजन। और एक पाउंड माने होता है 453, यानी 453.592 ग्राम्स। कितने ग्राम होते हैं ये, तो अगर एक स्टोन में निकालने हो तो क्या करेंगे, 14 पाउंड होते हैं और एक पाउंड में इतना, तो 14 और इसकी गुणा करेंगे तो एक स्टोन माने इतने ग्राम आ जाएगा। एक मिलियन माने 10 लाख, ये तो आपको पता ही होगा, आजकल यूट्यूब पे खूब होता है जी 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 2 मिलियन सब्सक्राइबर, तो उससे आसानी से पता चल जाता है। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, 1 बिलियन का मतलब
एक बिलियन का मतलब है भाई 1,000 मिलियन। एक बिलियन का मतलब, एक बिलियन का मतलब है साथियों 1,000 मिलियन, 1,000 मिलियन। और 1 मिलियन में कितने लाख हैं? 10। तो 1 बिलियन में लाख अगर कोई पूछ ले तो कितने हो गए? 1,000 तो मिलियन है, और लाख बनाने के लिए और 10 की गुणा कर दी। और क्योंकि 10 मिलियन का 10 लाख का होता है क्या? 1 मिलियन। और 10 मिलियन का क्या हो जाएगा? 1 करोड़। इसलिए 1 बिलियन बराबर करोड़ अगर निकालने हो तो 1,000 में हम भाग कर देंगे 10 का, तो हो जाएंगे 100 करोड़। तो आप ये समझ भी लेना और ये एक तरह से याद भी आप कर लो। स्कोर 20, ग्रॉस 144, स्टोन 14 पाउंड्स, 1 पाउंड बराबर 453.592 ग्राम्स, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स, 1 बिलियन का मतलब होगा 1,000 मिलियन या 10,000 लाख या 100 करोड़। अब 1 ट्रिलियन, क्योंकि अभी देखो कई बार कहते हैं ना भारत को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, भारत को क्या बनाना है? 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। तो 1 ट्रिलियन माने होता है, 1 ट्रिलियन माने 1,000 बिलियन। अब 1,000 बिलियन है, 1,000 बिलियन यानी ये 1 बिलियन में कितने करोड़ हैं? 100। तो 1,000 बिलियन में कितने करोड़ होंगे? 1,000 गुणा 100 यानी 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़, 1 ट्रिलियन बराबर 1 लाख करोड़। अभी क्वेश्चन आता है कई बार हमारी इकोनॉमी में कि हमें इकोनॉमी को बनाना है क्या? 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी कब तक बनाना है? ये कब तक बनाना है? ये आपका आ सकता है पेपर में किसी में भी कि भारत में इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य कब तक के लिए निर्धारित किया है। तो ये जीएस का क्वेश्चन, एक 2024 तक ये लक्ष्य है कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आई होगी साथियों। आगे देखिए, अब जैसा मैं आपसे कह चुका हूं कि मैं अब आपको थोड़ा थोड़ा सा काम देना शुरू करूंगा और धीरे धीरे हम जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें भी एक्टिव हो जाएंगे। तो ये जो है आपको इसमें एरर डिटेक्ट करनी है, एरर ढूंढनी है आपको। तो दोनों टेलीग्राम चैनल आप उसमें सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इनका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है मैं उसी में डालूंगा। और अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में डाल देना, मैं इनको करवा भी दूंगा अगली एक दो क्लास के बाद में। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ये आज या कल सुबह तक इसे, ये जो दोनों तीनों चीज मैंने दी है, पहले दी थी नाउन ये देखने के लिए कि कौन सा नाउन प्लूरल है कौन सा सिंगुलर है, दूसरी दी थी कि एक नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे, और तीसरे दिए हैं 10 सेंटेंस। बहुत ज्यादा काम तो नहीं है लेकिन ये आपको करने हैं खुद, और ये कल सुबह तक आप कर लेंगे। तो कल दिन में मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा किसमें? टेलीग्राम चैनल्स पे। तो आप उसे देख लेंगे फिर पहले, यानी उससे पहले आपका खुद का दिमाग इसमें लगना चाहिए। गलती हो तो बिल्कुल नहीं घबराना है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि कल हम पे कितनी अंग्रेजी आती थी और आज कितनी आती है। अगर कल जो हमारी अंग्रेजी की, कल का मतलब है 2 4 दिन पहले, क्लास शुरू होने से पहले, अगर कल और आज में हमारी में 10% भी कुछ समझ में आया ना, तो वो पॉजिटिव है, उसे रखा के रखो और आगे उसमें जोड़ते हुए चले जाओ। तो ये आपको करना है कल सुबह तक। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो हमारी आज की क्लास है उसे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।